हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर है आपका बीएमटीसी का। बीएमटीसी के अंतर्गत कंडक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, कंडक्टर पोस्ट के लिए, ठीक है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन हैं और हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे जो भी जी एस जी के क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक मूर्ति बनी है जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ बनी है? ये बनी है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेटमेंट वन है कि दो पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है एडजर्न सिन डाई, इसका मतलब होता है टर्मिनेट करना सिटिंग पार्लियामेंट सेशन को फॉर द वीक, नहीं फॉर द वीक नहीं होगा, यहाँ पर इनडेफिनिट पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है सेकंड गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन वन यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फोर, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर जो हार गए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय अ सिंगल वोट, एक वोट से, वो वोट था, वो केस था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर रहेगा। ये पेपर आपको कन्नड़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, कंट्रीज और उनकी बॉर्डर लाइन्स इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, ये करेक्ट है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में दुरंत लाइन है, ना कि 39th पैरेलल। इंडिया एंड पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन है, तो दैट इज ए एंड सी करेक्ट है। ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन फोर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देवराज उर्स वसाती योजना इज फॉर बिलो कैटेगरी, ये किसके लिए है बेसिकली ये योजना है आपकी HIV अफेक्टेड एंड देवदासीज के लिए है पहली बात, तो बाकी कोई कैटेगरी यहाँ पर फिट नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन वन यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, नेम द सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स पजेस हाउसेज इन इनहेबिटेड रूरल एरियाज इन विलेजेस, दैट इज स्वामित्व योजना, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर एट, हेड ऑफिस ऑफ कर्नाटका स्टेट स्पाइस बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पर है? दैट इज हुबली में है, ये आपका हुबली, ऑप्शन नंबर वन होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टर्म ऑफ महिला सम्मान सर्टिफिकेट लॉन्च्ड इन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 2023, तो इसका टर्म पीरियड है 2 साल का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन टू करेक्ट आंसर होगा। एक बॉय जिसका वजन 40 किलो है इक्वेटर पर, जैसे ही वो मूव करता है नॉर्थ पोल की तरफ उसका वजन जो है वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। व्हेन सी ड्रॉपलेट ऑफ आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एंड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास वाटर लूज एनर्जी, दैट इज ऑप्शन वन यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, फिश जो है वो आपकी क्या है, कोल्ड ब्लडेड, इसमें आपसे पूछा इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में इनकरेक्ट पूछा गया है। तो फिश कोल्ड जो है, फिश आपकी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बर्ड आपका वार्म ब्लडेड एनिमल है, मैमल्स आपके मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, फ्रॉग के अंदर 3-chambered हार्ट है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हनी बी सिल्क वॉर्म इलेक्ट इंसेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, दैट इज एंथ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर थ्री होगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको मैच करना है। देखिए, विनेगर से आपको मिलता है एसिटिक एसिड, करेक्ट है, टोमेटो से ऑक्सैलिक एसिड, ये भी करेक्ट है, लेमन से आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, तो पहला तो ये गलत हो गया, और कर्ड से आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, ये इन्वर्सली है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्टली पेयर्ड, तो ए एंड बी दैट इज ऑप्शन टू करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश की जब हम बात करते हैं, नहीं एक सेकंड, 13 हो गया क्या हमारा, कुछ तो मिस हो गया है आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है 14 यहाँ हो गया,
हाँ 13 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है 13 के बाद ओके 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या हो गया भाई, 15 नंबर क्वेश्चन, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, तो ये आपकी 1760 के अंदर लड़ी गई थी। कार्नेटिक वॉर जो है पहली, ये लगभग 1740 के अराउंड रहती है। नेपाल वॉर आपको देखने को मिलती है 1814 के अराउंड। बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 में। जब इसको आप अरेंज करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह, दिल्ली से थे बहादुर शाह सेकेंड, और अवध से थे बेगम हजरत महल, और फैज़ाबाद से थे अहमदुल्ला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो यहाँ पर आपका देखिए स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, ये आपका आता है 1905 में। होम रूल लीग 1916 का है। पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में। एंड स्प्लिट ऑफ सूरत सेशन, ये भी आपका 1907 के अंदर होता है। तो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, नॉट अ इमिनेंट मॉडरेट लीडर, तो यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, तो चोला एम्पायर और उनका जो सिंबल रहा है स्टेट का, उसको मैच करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में। तो चोला का तो टाइगर था, ये करेक्ट है, बाकी तीनों गलत हैं आपके। तो करेक्ट पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन विजयनगर एंड बहामी सुल्तान डायनेस्टीज वर एस्टैब्लिश्ड इन साउथ इंडिया, तो यहाँ पर था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, द प्लेस विजिटेड बाय ह्यून सांग वेयर पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन ऑब्टेन द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा एंड इंस्टॉल द विक्ट्री स्टैंड एट द बादामी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द पिलर ऑफ सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग विच स्टेज मैन यूज क्वार्टजाइट स्टोन इन प्री हिस्टोरिक पीरियड, दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड है या पैलियोलिथिक एज है। क्वेश्चन नंबर 24, देर आर टू इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ वैकुंठ टेम्पल ऑफ उत्तर मेरूर, ठीक है 24th में। तो एक यार इस क्वेश्चन का मुझे आंसर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ मैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आपने अभी जो करेक्ट किया है इस आंसर को, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू हैव अ प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दिस इज अ लीगल राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टैक्सोनॉमिकली नॉट अ फिश, दैट इज स्टार फिश। साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑल द फॉर्मेट, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पायर्ड बाय प्लांट, दैट इज ऑक्सीजन। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, दैट इज आपका सोलर एनर्जी रहेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज अ मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी ट्रक के अंदर। अपार क्या है? अपार एक है वन नेशन वन स्टूडेंट आई डी कार्ड, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, चैंपियन और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को, करेक्ट है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर MSME इंडस्ट्रीज, ये भी करेक्ट है। हेल्प करता है कैप्चर न्यू अपॉर्चुनिटीज में, ये भी है करेक्ट है। तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द थिंग्स डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर प्रिमरोज इन 1842 एट रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वो क्या थी? ये था स्टोन नाइफ एंड पॉइंटेड एरोज, दैट इज ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, दैट इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड, तो 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कर्नाटक पंचायत राज एक्ट 1993 केम इनटू फोर्स, दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। रोशनी जो है ये बेसिकली किसके बारे में हम बात कर रहे हैं 37 में, इज इट रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द रूरल एरियाज, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इलिवेट वुमेन इज रिलेटेड टू द वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ।
IR8 is a variety of rice. Option 4 is the correct answer, question number 40. Now coming to the question number 41. Rohitwadi system was introduced in Madras. सबसे पहले Madras, that is तमिलनाडु की बात कर रहे हैं. Name the tunnel boring machine of नम्मा मेट्रो जिसने एक रिकॉर्ड सेट किया है जुलाई 2024 के अंदर 308 मीटर की टनलिंग करके, वो है TBM तुंगा. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नैयर. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का. 44 की बात करते हैं. इन जुलाई 2024 निकोलस मदुरो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ विनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो ये कंट्री है वेनेजुएला. दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा. नेम द प्लेटफॉर्म विच इज प्लान टू लॉन्च द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू डिजिटलाइज एवरी वैक्सीनेशन गिवन टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. वो है यू विन. दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का. 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46. हु इज द प्रोटम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? दैट इज मेहताब. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा. लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना और अबॉलिश करना किस आर्टिकल के अंतर्गत मैंशनड है? दैट इज 169 के तहत मैंशनड है. JVP कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा 48 नंबर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर डिजास्टर ड्यू टू द एक्सीडेंटल रेडियो एक्टिव लीकेज? वो था 3 माइल आइलैंड्स. दैट इज ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा. आइडेंटिफाई द मिसमैच. मिसमैच कौन सा है यहाँ पर? UVB रेडिएशन, स्नो ब्लाइंडनेस, ये आपका मिसमैच है. ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. नगरोना करबक रीजन कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट किस किस कंट्रीज के बीच में है? ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है. ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट पूछा है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड? नहीं, चाइना है. पहला ही गलत हो गया आपका. ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कृष्णा जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की जो ईस्ट फ्लो करती है, करेक्ट है. तापी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वेस्ट फ्लो करती है पेनिनसुलर इंडिया की, ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा. ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है यहाँ पर. तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश रहेगा. ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55. द यूनिक टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन अलॉन्ग द एज ऑफ स्ट्रीम स्मॉल रिवर फ्लो इन माउंटेन वैली ऑफ कर्नाटका इज नोन एज शोला फॉरेस्ट. ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा. इनर प्लैनेट क्या है यहाँ पर? अर्थ है, ठीक है. एगाथ्री है. एगाथ्री कहाँ? देखो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. ओके, करेक्टली मैच आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है. तो करेक्टली मैच में हम बात करें यहाँ पर तो आपका रहेगा फंगाई ब्रेड मोल्ड है, प्रोटिस्टा अमीबा है, HIV वायरस है और फोर्थ गलत ABC. दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर फाउंड इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया? दैट इज सांभर लेक रहेगा यहाँ पर सिर्फ. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन DDT मॉलिक्यूल्स? दैट इज 5. ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका. क्वेश्चन नंबर 60. कॉन्स्टा अमेंडमेंट एक्ट है जो EWS कैटेगरी के बारे में यहाँ पर बात करता है. 10% रिजर्वेशन जो आपको दिया गया है वो है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर. 61. Which of the following state government has became the first state government in India to approve 33% reservation for the women in cooperative society? So that is the Uttarakhand. Option number 3 is the correct answer rahega aapka yahan par. Identify the pair of Indian shooters who has won the bronze medal in 10 meter air pistol mixed team event of Paris Olympic 2024. Ye hai Manu Bhakar and Sarabjot Singh. That is option 1 correct answer yahan par aapka sorry रहेगा. क्वेश्चन नंबर 63. नेम इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज विद 67 जेट फाइटर्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्रॉम 10 कंट्रीज एंड ऑब्जर्वर फ्रॉम अनदर 18 कंट्रीज. ये था आपका तरंग शक्ति. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओम प्रकाश माथुर यहाँ पर गवर्नर हैं सिक्किम के. तो बी का वन आपका एक ही जगह पर है. ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं. इन जुलाई 2024 G20 की सबमिट की जो मीटिंग है वो हुई है रियो डी जेनारियो
ठीक है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट हैज रिसेंटली एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट, दैट इज ये आपका यूरेनियम रहेगा, ठीक है, यूरेनियम, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67 का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, 68 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच स्टेट फर्स्ट इंप्लीमेंटेड ई हॉस्पिटल, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है मेरे को इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक मेरे ख्याल से तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट आंसर रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ कर्नाटका, नॉट रिलेटेड पूछा गया है ना, तो यहाँ पर ए और बी तो रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये, नहीं ये भी आपका, ओह सॉरी ऑप्शन डी होगा, ई संजीवनी इज नॉट रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ, ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, ठीक है ये लद्दाख में, और ये तीन चारों सही हैं, दैट इज ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अंडर द राइट कॉन्स्टिट्यूशन डेनियल ऑफ मैटरनिटी रिलीफ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, तो यहाँ पर आपका डीपीएसपी को वायलेट करता है बेसिकली, बट डीपीएसपी को वायलेट करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मैटरनिटी रिलीफ के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, उसके बारे में आपको आर्टिकल 42 के अंदर मैंशनड है ना, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 4 ही करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73, तो फर्स्ट रूट ऑफ वंदे भारत ट्रेन दिल्ली टू वाराणसी, हाईएस्ट रन स्कोरर वर्ल्ड कप 2023 विराट कोहली, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन, रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताना है आपको, तो यहाँ पर वाजपेयी वत्सी योजना अर्बन एरियाज के लिए है, ये गलत है आपका, ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले आपको छोटी रिवर बतानी है, तो कावेरी, महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। डेवलपमेंट इन इट्स विलेज इज अ ट्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78, हैव बॉर्डर विद द अरेबियन सी, बॉर्डर विद द अरेबियन सी गुजरात का है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरला है, चारों हैं, दैट इज ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, सो असम के अंदर कौन सी ऑयल फील्ड्स आपके लोकेटेड हैं, दिगबोई फील्ड है और नहर कटिया है, और ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर हैं, तो ए एंड डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा स्टेट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं होता, उत्तर प्रदेश पास नहीं होता है, ऑप्शन 4। 81 के बाद हम बात करते हैं 82 की, सॉरी 80 के बाद 81 की है, 82 नहीं, 81 नंबर क्वेश्चन। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल से है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से है, ब्राउन रिवॉल्यूशन कोका एंड कॉफ़ी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र नहीं है, हनी वगैरह है आपका, तो आपका पूछा क्या गया, करेक्टली पेयर पूछा गया, तो ए बी सी दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर आपसे पूछा है फॉल्स, गलत कौन सा है ना, तो यहाँ पर डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करेक्ट है, विलियम बेंटिक अबॉलिशन ये नहीं है, गलत है, कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सब्सिडरी अलायंस ये भी करेक्ट है, तो मतलब गलत आपका है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मुस्लिम रूलर फाउंडेड द न्यू सिटी दीन पनाह, तो ये भाई साहब थे आपके हुमायूं, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, देवता विदिता थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है, बेसिकली ये था निम्बिकार, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 84 का। 84 की बात करते हैं हम, 85 की, नेम द फ्रीडम फाइटर हु फाउंडेड वॉलेंट्री एसोसिएशन विद खुदाई खिदमतगार, दैट इज खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। फर्स्ट सेशन ऑफ मैसूर वॉज हेल्ड एट शिवपुरी, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिला, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा है, मुझे आंसर नहीं पता बेसिकली, मेरे को थोड़ा थिंक करना पड़ेगा कि क्या है ये, चाहता क्या है, क्योंकि मंथ्स में दिया है और अभी अगर जो मैं 5 इयर्स की बात करूँ तो 5 इयर्स दैट मीन्स 60 मंथ होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो देखते हैं इसको जरा चेक करना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 89, विच कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पंचायत, दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट,
which schedule of the Indian Constitution distribute power between the state legislature and the panchayat, that is schedule 11. Lokayukt and Uplokayukt are appointed by the governor of the state, 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन. देखिए इसके बाद आपके ये जो मैथ और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है. तो दिस इज़ द पेपर ऑफ बी एम टी सी कंडक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था आपका कर्नाटका के अंदर ऑन 1 सितंबर 2024 को, ठीक है. तो इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और साथ साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है उस दोनों को ज्वाइन ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.